पढ़ने या पढ़ाने वाले को आंखें बंद करके नहीं बैठना है। लिखत में भी प्रैक्टिस ऐसी चाहिए जो लिखते हुए भी मासूक को देखते रहे। ये तो मोस्ट बिलेवर्ड बाप है। उनके आगे, मासूक के आगे आंखें बंद करके बैठे, ये तो इसकी इंसल्ट हो गई। कोई किसी को नहीं देखना चाहता है तो मुंह फेर लेता है, आंखें बंद कर ली माना देखना नहीं चाहते। तो जैसे बाप की इंसल्ट हो गई, सीता क्या करती थी? आंख उठा के भी नहीं देखती थी, आंखें बंद। तो जैसे सीता ने रावण की इंसल्ट कर दी, रावण बार बार सामने आता था और सीता उसको देखती भी नहीं थी, तो रावण क्या महसूस करता होगा? है इंसल्ट महसूस करता होगा, फिर क्रोध आता होगा। शिव बाबा को तो क्रोध आने की बात ही नहीं। नाराज वो होते हैं जो राज को नहीं जानते हैं। आंखें घड़ी घड़ी बंद हो जाती है तो बाप समझ जाते हैं इनका अंदरूनी प्यार नहीं है। शिव बाबा को तो कब नींद नहीं आवेगी? स्टूडेंट कब टीचर के आगे झुटके नहीं खावेंगे? वैसे भी क्लास में ये कायदा नहीं है, बच्चों को पढ़ना है ना। यहां भी तुम बच्चों को अटेंशन खिंचवाना चाहिए। तो घड़ी घड़ी बाप की तरफ बुद्धि जावे, घड़ी घड़ी कहते रहते हैं आत्माभिमानी होकर बैठो, देहभान में रहते हैं तो थकान आती है, आत्माभिमान में रहे तो थकान नहीं आवेगी। तो बाप कहते हैं अल्लाह के बच्चे हो, अल्लाह के बच्चे, अल्लाह माना, अल्लाह माने ऊंचा, तो ऊंच के बच्चे भी कैसे होने चाहिए? ऊंच होने चाहिए। अल्लाह के बच्चे होकर के बैठो, अल्लाह नीचे वाला है या ऊपर वाला है? तो अल्लाह के बच्चे ऊपर को मुंह करने वाले होंगे या उल्लू की तरह नीचे को मुंह करने वाले होंगे? उल्लू का मुंह नीचे धरणी की तरफ होता है,